दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। दोस्तों अगर इस दुनिया में आपको हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना है तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे रहा हूँ जो आप बताओगे किसी को तो उसमें वो ट्रिक्स ज़रूर लागू होती है। तो ऐसी आपको मैं कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जो आप किसी को भी हाथ की रेखा देखते हुए, चाहे आपको कुछ नहीं आता है, उसको ये चार पांच बातें बता देना तो सीधा वो इम्प्रेसिव हो जाएगा और आपको कहेगा कि आप तो बहुत बड़े हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आपको कुछ नहीं करना, चार पांच बातें बतानी है। तो आप वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि दोस्तों पहली बात तो ये कि जब तक मेरा वीडियो पूरा नहीं देखोगे तब तक आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, इसलिए वीडियो पूरा देखना चाहिए। जिस किसी का भी वीडियो देखना है, अगर उस वीडियो से आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो हर वीडियो को पूरा देखना जरूरी होता है, तब सही बात मिलती है। क्यों? आखिर में जाके सही बात जो होती है उसका निचोड़ बताया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात होती है कि वीडियो को पूरा देखना, और दूसरा जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली ट्रिक्स होती है कि जो भी कोई आपको हाथ दिखाना चाहता है उसकी दो तीन बातें पहले नोट कर लीजिए। उसकी स्थिति को देख के बताना है, उसकी स्थिति कैसी है, वो मजदूर है या किसान है या वो कोई सेठ साहूकार है, और ये उसके रहन सहन से, कपड़ों से, उसके हाव भाव से आम आदमी का पता चल जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी होती है हमें कि उसका स्थिति क्या है। स्थिति देख के आगे की बातें बतानी होती है। अगर वो मजदूर है, उसके हाथों में जगह जगह कटाव आए हुए हैं, हाथ जगह जगह से फटे हुए हैं, मैले कपड़े पहन रखे हैं, तो हो सकता है वो मजदूर हो। तो उसको बताओगे कि भैया तू एक रुपया कमाता है और दस रुपए की तेरे लागत हो रही है। ये सबसे पहली बात बताने की है कि एक रुपया कमाता है और दस रुपए की लागत हो रही है। अगर वही आदमी, दूसरा कोई आदमी आपके सामने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और उसका हाथ बिल्कुल मुलायम है, कटा पटा नहीं है, तो उसको कहो कि भैया तेरा व्यापार काम धंधा अच्छा चल रहा है और ऐश ले रहा है तू तो, लेकिन इन दिनों तुम्हारे ऊपर कुछ मुसीबत आई हुई है। और एक बात ध्यान रखें कि कोई भी जब तक मुसीबत में नहीं पड़ता किसी को हाथ दिखाने या ताबीज बनवाने नहीं जाएगा। तो मुसीबत का मारा तो है ही है, ये तो उसको बताना है कि काम धंधा अच्छा होते हुए भी तेरे बरकत नहीं हो रहा है, इन दिनों तेरे थोड़ी सी बरकत की कमी चल रही है, काम धंधे में तू थोड़ा टेंशन में रहता है, ऐसी बात बताना है तो वो इंप्रेस होगा। दूसरी बात उसको ये बताना है कि भैया तू, तेरे दोस्त तो बहुत है लेकिन तुझे दोस्तों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। दोस्त तेरी पॉकेट के दोस्त है, तेरे दोस्त नहीं है। जिसे तू दोस्त समझता है तू उनके ऊपर कितना ही खर्चा कर ले जाए लेकिन वक्त आने पे वो मुंह मोड़ जाते हैं। ये उनको बताने की बात है। दूसरी बात, तीसरी बात उनको बताने के लिए, चाहे वो कैसा ही है, अमीर है, गरीब है, फटे हाल है, चाहे ऐश लेने वाला आदमी है, लेकिन ये बात भी तीसरे पे लागू होगी। तीसरी बात कि भैया तू कितना भी किसी का भला कर ले तेरे को यश नहीं मिलने वाला, यश नहीं मिलेगा। ये तीसरी बात।
आप बताओगे तो वो अचंभित होगा कि मेरे मन की बातें ये कैसे जानने लग गया है, इसको क्या पता है ये बात कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं, कभी भी मेरी बड़ाई नहीं करते, जो भी कहता है वो खाने के लिए दौड़ता है, काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन मेरी बड़ाई नहीं करते। तो उसको तीसरी बात यही कहना है कि तुझे कभी भी यश नहीं मिलता। अब चौथी बात क्या बतानी है, चौथी बात उसको कहना है कि अपने ही लोग जिसे तू अपना मानता है वो अपने ही लोग तेरे साथ में दगा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। और दोस्तों ये दुनिया में होता आया है कि अपने ही लोग होते हैं वही ज्यादा परेशान किया करते हैं, वही ज्यादा वक्त आने के ऊपर मुकर जाया करते हैं, रस्ता बदल लेते हैं। तो दोस्तों ये बात चौथे नंबर की बात जो है ये बतानी है कि अपने ही लोग जिसे तू अपना मानता है वही लोग तेरे को धोखा दे रहे हैं, ये चौथी बात। और पांचवी और सबसे आखिरी बात कि जिसका भी तूने भला किया वही इंसान तेरा वैरी बन गया, जिसका भी तूने भला किया है वही इंसान तेरा वैरी बनता जा रहा है और तेरे पैरों को काटता जा रहा है, तेरे रास्ते के अंदर अड़चने अड़ाता जा रहा है। और दोस्तों ये पांचवी बात जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करेगी, बहुत ज्यादा इंप्रेस करेगी, उसको ऐसा लगेगा कि वास्तव में ये आदमी हस्तरेखा विशेषज्ञ है। आप ये पांच बातें सीख लो, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, ये पांच बातें सीखोगे वही आदमी जो आपको हस्तरेखा दिखाने आया है वो आपके आगे नतमस्तक हो जाएगा। तो इन पांच बातों को आप सीख लोगे तो कभी भी किसी को भी आप ये पांच बातें बता के इंप्रेस कर सकते हो। बड़ी बात यह है कि आपको पब्लिक व्यू में सबके सामने ये बात नहीं बतानी है, उसको अलग से अकेले को बात बतानी है। अगर आपने सबके सामने बताना शुरू कर दिया और वही बात बार बार सबको बताते गए तो आपका इंप्रेशन घट जाएगा। आप उसको दूर बिठा के अकेले में बिठा के यही बात आप उसको बताइए और फिर देखिए कि उसके ऊपर कितना असर होता है, वो किस प्रकार आपके आके नतमस्तक होता है, लोटपोट होता है। ये आप एक बार करके जरूर देखना। मेरा जिसने भी ये वीडियो पूरा सुना है, हालांकि ये आज की दुनिया जो चाहती है, आज की दुनिया जिस प्रकार है उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है, बाकी ये वो बात नहीं है कि कहीं भी हस्तरेखा विशेषज्ञ बनने के लिए ऐसी कोई जरूरी है। लेकिन ये पांच बातें हर हस्तरेखा विशेषज्ञ सबसे पहले बताया करता है उसको इंप्रेस करने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, जाते जाते कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, लाइक तो करते जाना और मेरे वीडियो को कमेंट भी करना और हो सके तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत आभार होगा।